नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश बोर में। मुख्यमंत्री शिकोकम्मा योजना से रिलेटेड पांच ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप सभी के मन में होंगे ही होंगे, तो उसका आज हम निराकरण करने वाले हैं। काफ़ी कुछ क्वेश्चन रहेंगे, सभी जानकारी आप वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप क्लिक कर लीजिए, ताकि आप सभी को जो है वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पर हमें मुख्यमंत्री शिकोकम्मा योजना के ऑफिशियल पोर्टल पर, यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे ऊपर एक पट्टी देखने को मिल रही होगी, इसमें आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये आपको हम पढ़ के बताकर और समझाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शनिवार और रविवार को तो पोर्टल बंद रहता है, उसके बाद जो नोटिफिकेशन यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभ्यर्थियों के लिए प्रतिष्ठान द्वारा पोर्टल पर प्रकाशित रिक्तियों में अपने लॉगिन पर जाकर आवेदन करने की व्यवस्था 25/7/2023 के बाद उपलब्ध रहेगी। मतलब 25 तारीख से बाद, मतलब 26 को हो सकती है, 12 बजे, 10 बजे या 27 को हो सकती है, पर 25 के बाद से आवेदन करने की उपलब्धता निश्चित हो जाएगी। ठीक है, मतलब 25 को चालू नहीं होगी। और जो अभिरुचि के अनुसार आपने आवेदन की है वो आपको प्रतिष्ठान द्वारा अनुबंध कहाँ पर भेजा जाएगा, आपके लॉगिन आईडी पासवर्ड में भेजा जाएगा, तो किस जगह पर भेजा जाएगा, कैसे शो होगा, तो ये सभी यहाँ पर आपको पांच क्वेश्चन कौन कौन से हैं कि आवेदन हम अनुबंध कैसे करेंगे, हम एक से अधिक रिक्तियाँ को सिलेक्ट कर सकते हैं या नहीं, हम किस कंपनी में का अनुबंध स्वीकार करें कि हमारी ज्वाइनिंग कंफर्म रहे। तो कुछ इस प्रकार से जो आपके क्वेश्चन है वो आप सभी को हम बताने वाले हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को शेयर नहीं किया तो चैनल को शेयर कर दें, और वीडियो को भी साथ साथ शेयर कर दें, और बेल आइकन को आप क्लिक करें। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड के माध्यम से यहाँ पर हम लॉगिन कर लेते हैं। जैसे आप अपनी आईडी पासवर्ड से जैसे ही लॉगिन करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस शो होने लगेगा। दोस्तों यहाँ पर जो आपको अनुबंध का ऑप्शन आएगा वो यहाँ पर आपको यहीं पर शो होगा। ठीक है, यहीं पर आपको अनुबंध का ऑप्शन शो होगा। ठीक है, मतलब कल से यहाँ पर आपको अनुबंध का ऑप्शन शो होने लगेगा दोस्तों। तो यहाँ पर कल से आपको अनुबंध का ऑप्शन शो होगा। और एक और मेन बात है, अगर आपका बैंक खाता अभी तक डीबीटी से लिंक नहीं किया गया है तो यहाँ पर बैंक खाते को लिंक करवाना अनिवार्य है, और डीबीटी सक्रिय है या नहीं ये भी आप चेक कर लीजिए। यहाँ पर हाँ लिखा है मतलब आपका सब कंप्लीट है, अगर ना लिखा है तो आप बैंक में जाकर डीबीटी और आधार लिंक करवा सकते हैं। और दोस्तों एक और मेन बात कि हम कौन सा कोर्स सिलेक्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पर हम कौन सा कोर्स सिलेक्ट करें, तो यहाँ पर जैसे जैसे कि हमने यहाँ पर पाँच सेक्टर चुने हैं, ठीक है, मतलब 6 सेक्टर चुने हैं, तो 6 सेक्टर में हमने अप्लाई भी किया है। तो मान लीजिए हमने अप्लाई किया है ग्रेजुएशन से नॉन इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल में, ठीक है, मशीन में। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर ये क्वालिफिकेशन हमारे चले गए हैं कंपनी के पास, अगर वो कंपनी को लगता है कि नहीं इनका क्वालिफिकेशन सही है, इनके परसेंटेज भी अच्छे हैं, तो वो हमारे पास रिक्वेस्ट भेजेगी। मतलब उसको कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं, हम अनुबंध कह सकते हैं, तो हमारे पास रिक्वेस्ट भेजेगी अनुबंध के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अगर हम उसे स्वीकार करते हैं तो ही हमारी वहाँ पर ज्वाइनिंग होगी, अगर हम अनुबंध को स्वीकार नहीं करते हैं तो हमारी कोई ज्वाइनिंग नहीं होगी। जैसे ही अनुबंध चालू होते हैं हम आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराएंगे कि अनुबंध किस प्रकार से करना है। और यहाँ पर आप मैं बता दूं कि जिस सेक्टर में, जिस कंपनी में अधिक पोस्ट हैं उसमें आप अप्लाई कीजिए तो उसमें आपका चांस ज़्यादा रहेगा। अब आप बोलेंगे कि अप्लाई में हम कैसे चेक करें कि किस में पोस्ट ज़्यादा हैं, तो सबसे पहले आपको शिकोकम्मा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। ठीक है, शिकोकम्मा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे ही आएंगे यहाँ पर आपको मेन पेज ओपन कर लेना। होम पेज ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको देखिए रिक्तियाँ देखे का ऑप्शन दिख रहा है। रिक्तियाँ देखे वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए आप जिस भी, ठीक है, स्टेट सिलेक्ट करने के बाद अपना जिला सिलेक्ट कर लीजिए। जिला सिलेक्ट करने के बाद आप किस क्वालिफिकेशन से देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं डिप्लोमा से, तो यहाँ पर आप सेक्टर सिलेक्ट कीजिए। मान लीजिए हम सेक्टर सिलेक्ट कर लेते हैं, कोई सा भी एक सेक्टर सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, हम अपना एक ये जैसे कि ऑटोमोटिव में सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर सर्च कर देते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। और ऑटोमोटिव के बाद हम यहाँ पर जैसे ऑटोमोबाइल में सर्च करते हैं, तो यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे शो होने लगेगा। ठीक है, तो इसमें भी कोई कोर्स नहीं है, तो यहाँ पर हम इसे 12वीं से करके देख लेते हैं। ठीक है,
बारहवीं करने के बाद जैसे सर्च पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास आ चुकी है टोटल 7 कंपनियों ने इसमें रजिस्ट्रेशन किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें 5 महीने की है, 3 महीने की है, एक एक ये मतलब पाँच सॉरी 5 वैकेंसी है, इसमें 5 पोस्ट है, इसमें 3 पोस्ट है। तो आपको सबसे पहले इसमें दोनों में करना है, और ठीक है, और आप एक से अधिक भी आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने किया है छः 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 सेक्टर में किया, आप 10 कर सकते हैं, 12 कर सकते हैं, और जिला भी एक से अधिक चुन सकते हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसी अपडेट थी इसमें। जैसे अनुबंध चल रहे होंगे, हम आप सबसे पहले आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को आल पर क्लिक कीजिए ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।